जिला सोलन की कसौली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने आज तीसरी मर्तबा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थकों द्वारा कसौली बाजार में देखने को मिला। विनोद सुल्तानपुरी के समर्थकों ने कांग्रेस और विनोद सुल्तानपुरी के जिंदाबाद के नारे खूब गर्म जोशी के साथ इस दौरान लगाए। इस दौरान विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि कसौली के विकास में पिछले 15 सालों से जो ग्रहण लगा है उसे अब खत्म करने की बारी आ चुकी है। आगे कहा कि आज वो तीसरी बार अपना नॉमिनेशन कसौली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए दायर कर रहे हैं और जिस तरह का प्यार और समर्थन उन्हें जनता से मिल रहा है, निश्चित रूप से इस बार कसौली की सीट कांग्रेस की होने वाली है। अपना नॉमिनेशन भरा है और इस नॉमिनेशन के द्वारा मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये मेरा तीसरा नॉमिनेशन है और जिस तरह का प्यार आप सभी के द्वारा, आप सभी के आशीर्वाद के द्वारा आज मिला है, मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। आप ये मेरी प्यारी कसौली जो है, इस कसौली को ग्रहण लगा हुआ है और उस ग्रहण को खत्म करने के लिए आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज ये जो ग्रहण, आज का दिन भी ग्रहण लगा हुआ है, उसको भी खत्म करते हुए हम आज पार करेंगे। मैंने ये देखा है आजकल की जो राजनीति हो रही है इस प्रदेश में और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, लोग आगे पहले खड़े रहते हैं कि आगे लीडर तक नहीं मिलने देना, चार लोग होंगे जब वो कुछ बात कहेंगे तभी काम होगा। हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा, जो मुझे मिलना चाहे वो सीधा आए, अपनी बात रखे, हमारा विश्वास है आप पर। और मैं आपको यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कभी किसी के झांसे में मत आए, आप सीधा मुझे मिलने आए। मेरे घर आपका घर है, आपका घर मेरा घर है, यही मानी कॉन्स्टिट्यूंसी का बेटा हूँ मैं आपका सबका प्यारा बेटा हूँ और इसे आगे ले जाना मेरा कर्तव्य है।